है अभी आपको बताया कि नहीं, सरप्राइज है। तो अभी चलते हैं घर, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। मुझे पता नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले उनने बोला था उनको पसंद आते हैं कि नहीं आते, ये भी नहीं पता, हो सकता भूल गए हों। दोस्तों ये जो फ्लाई ओवर है ना, यहाँ से शुरू होगा, ये बस स्टैंड है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाएगा और जो तालाब का दूसरा एरिया है, दूसरा छोर, वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। देख, और अभी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पीयूष और परी दोनों को, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं और देते हैं उनको सरप्राइज गिफ्ट, है ना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमरीश यादव ब्लॉग। तो यार आज का दिन मैं सोच रहा हूँ कि जो परी और पीयूष है उनको एक सरप्राइज गिफ्ट दूं, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है। उन्होंने बहुत पहले मेरे से एक गिफ्ट की बोला था, क्या वो लोग मोबाइल देखते ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो कार्टून में दिखाते रहते हैं ना, कोई भी प्रकार के जो गिफ्ट होते हैं, खिलौने होते, तो बहुत पहले बोला था, लगभग एक दो महीने पहले, कि ये चाहिए ये चाहिए। तो आज मैं उनको वो दूंगा जाके, लेकिन उनको ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये उनके लिए होगा सरप्राइज और आपके लिए भी होगा, है ना। तो चलिए तैयार होते हैं, मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि वो वाला सामान मिलता है कि नहीं, और उसके बाद इन लोगों को वो सामान देंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। By the sounds I'm breathing and hold tight. तो गाइस अभी हम आए थे यार एक खिलौना लेने, जो परी को देना है और पीयूष को भी देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन उनको ये नहीं बताएंगे कि वो खिलौना क्या है। वो देंगे शाम को जब मैं यहाँ से जाके लेके जाऊँगा ना घर पे, तो उनको देंगे, लेकिन अभी मैं आपको भी नहीं बताऊँगा वो खिलौना कौन सा है, तो अभी वो लेंगे। लेकिन यार अभी मैं एक जगह पर आते हैं, देखिए कौन सी जगह है, देखिए है ना, ये हमारे शहर का तालाब है। तो यहाँ पर मैं आया था क्योंकि यही बाजू में खिलौने की सबसे बड़ी दुकान है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। ये देखिए ये जो फ्लाई ओवर बन रहा है ना, तो ये काफ़ी सही फ्लाई ओवर है। अभी मैं बैक कैमरे से भी आपको बता दूंगा कि ये फ्लाई ओवर क्यों बन रहा है और हमारे शहर को इसकी क्यों ज़रूरत है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है यार यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर हम खिलौना लेंगे और घर चलेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा था एक फ्लाई ओवर के बारे में, तो बैक कैमरे से बताऊंगा तो आपको पहले समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों ये जो फ्लाई ओवर है ना, यहाँ से शुरू होगा, ये बस स्टैंड है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाएगा और जो तालाब का दूसरा एरिया है, दूसरा छोर, वहाँ पर जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए है ना, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो आधा सागर तालाब के उस तरफ बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है, और आधा सागर तालाब के इस तरफ बना हुआ है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्लाई ओवर है ये किस लिए बनाया जा रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों है, तो अब मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ हड़ताल वगैरह चल रही है, तो उसका साउंड आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर देना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो वहाँ के लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाना चाहते हैं, तो इनको जाने के लिए ना सिर्फ दो तरीके थे। एक तो जो पीछे देख रहा है बहुत लंबा तरीका है ना, बहुत लंबा मार्ग है, 4-5 किलोमीटर घेर के यहाँ आना पड़ता था। और दूसरा था जो इस तरफ सिटी बनी है वहाँ से, तो सिटी में तो आपको पता ही है ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ट्रैफिक ज़्यादा होने से वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता था। और अगर ये वाले एरिए से आते थोड़ा सुनसान पड़ता है, यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन ये लंबा पड़ता था 4-5 किलोमीटर। तो यदि हम लोग वहाँ जाना चाहें या वहाँ के लोग यहाँ आना चाहें, तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता था या काफ़ी दूर, मतलब घेर के जाना पड़ता था यार, है ना। तो बीच में से अभी एक फ्लाई ओवर ये बन गया है, बीच में से बाईपास। अब वहाँ अगर जाना है हम लोगों को या वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो उनको ना तो सिटी के ऊपर से जाना पड़ेगा सिटी होकर, और ना सुनसान जगह है वहाँ होकर जाना पड़ेगा, तो ना तो उनको लंबा पड़ेगा और ना ही ट्रैफिक पड़ेगा। तो यहाँ से अब 2 मिनट का रास्ता है, और 2 मिनट में आराम से आप उस तरफ जा सकते हो, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, है ना। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और अब नित वरना क्या है, अभी घेर के जाना पड़ता था, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, इसलिए इस फ्लाई ओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आने जाने में सुविधा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखो पानी भर गया, थोड़ा थोड़ा सा पानी भर गया है, इस पानी को भी खाली कर देंगे, फिर इसमें साफ पानी भर जाएगा, देखो है ना। और ये जो रोड बन गई है काफ़ी अच्छी बन गई है, देखिए
अब यहाँ से ना पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ से रोड बना दी गई है। देखो कितनी अच्छी रोड बनी है ना, याद हो यहाँ से आप जॉगिंग कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, सब अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं खिलौने की दुकान पे और खिलौना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको अंदर नहीं ले जाऊँगा, कैमरा अंदर नहीं ले जाऊँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आपके लिए भी सरप्राइज़ है, वो घर जाके पता चलेगा जब परी को और पीयूष को खिलौने देंगे कि कौन से खिलौने जो उनको चाहिए थे ना। तो यार बात ऐसी है कि बहुत समय पहले, लगभग हफ्ते 10 दिन पहले, परी को पीयूष ने कहा था कि उनको नए साल में कुछ गिफ्ट देना। तो मैंने कहा था दे दूँगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उनको उनके मनपसंद खिलौने चाहिए। मैंने बार बार पूछ लिया था कि मोबाइल में देखते रहते ना वीडियो कि कौन से खिलौने अच्छे लगते, तो वो खिलौने उन्होंने बताए थे उनको, ये अच्छे लगते वो अच्छे लगते। तो अब मैं नए साल में उनको वही गिफ्ट दूंगा, और सरप्राइज उनको पता नहीं है, और अभी भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, है ना। तो अभी मैं आपको भी नहीं बताऊँगा, आपको भी ना पता चलेगा जब मैं उनको वो गिफ्ट दूंगा कि क्या सरप्राइज है ना। अभी मैं आपको सिर्फ दुकान दिखा दूंगा, इस दुकान से हम खिलौने लेंगे, उस पर घर चलेंगे, और घर जाने के बाद तक पता चल ही जाएगा, है ना, जब मैं उनको गिफ्ट दूंगा। तो चलिए चलते हैं, अब दुकान चलते हैं और खिलौने को खरीदते हैं। गाइस से पीछे जो दुकान दिख रही है ना, बहुत अच्छी दुकान है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, देखिए, है ना, खिलौने टंगे भी है, बहुत अच्छी अच्छी दुकान है। तो यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ और जो खिलौने लेने हैं तो वो लेके आता हूँ, जो कि परी को और पीयूष को पसंद है। तो चलो चलते हैं अंदर, खिलौने लेके आते हैं। तो कई खिलौने ले लिए, अभी आपको बताया कि नहीं सरप्राइज है, तो अभी चलते हैं घर। तो घर में जाकर दोनों को देते हैं खिलौने, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले उनने बोला था उनको पसंद आते हैं कि नहीं आते, ये भी नहीं पता, हो सकता भूल गए हों, पर अगर पसंद आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, तो घर जाके पता करेंगे। तो चलिए अभी खिलौने ले लिए हैं और अब चलते हैं सीधा घर। तो गाइस अभी मैं मार्केट से आ गया हूँ, मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है अपनी, और अभी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पीयूष और परी दोनों को दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं और देते हैं उनको सरप्राइज गिफ्ट, है ना, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है ना। तो अभी तो दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी अंदर आके ये बोल रहा था चलो चलते हैं बाहर और चेक करते हैं क्या है उनका रिएक्शन। परी पीयूष क्या हो रहा है? अरे भाई यार देखो देखो मैडम कितना सारा पढ़ने के लिए दे देते हैं। अरे यार, और तुम्हारी? हमारी भी हो रही है, होमवर्क बचा है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा सुनो, दो मिनट के लिए ना पढ़ाई अपनी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर पढ़ना, ठीक है? हम तुम लोगों को कुछ दे रहे हैं गिफ्ट, ठीक है ना, आँख बंद करो पहले, है ना, और हम कुछ देंगे ना तो ले लेना, ठीक है? अभी आँख बंद करना, छोड़ना नहीं, बुन्नू सुनो पीयूष बिल्कुल नहीं करना चीटिंग, तभी तो अच्छी है। सबसे पहले परी हाथ आगे करो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोलो नहीं, और पीयूष हाथ आगे करो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। अब देखो दोनों याद है, हाँ हाँ कहो क्या, ये तो वही है ना, हाँ याद आया, तुम लोगों ने बहुत पहले कहा था एक बार, है ना, कैसा लगा? हाँ देख लो, देख लो आराम से देख लो, सही है ना, इसमें तो लॉक सिस्टम ही है, लॉक सिस्टम है ना। अरे वाह यार, और पीयूष तुम्हें अच्छी है ना, है ना, वैसे ये चलती कैसे है? अभी बता रहे ना पीयूष, तो अच्छा पहले पीयूष को बताएं। तो यार सबसे पहले ना पीयूष को बता देते हैं कि इसको कैसे चलाते हैं, इसको ना ज्यादा जल्दी है, तो पहले इसको बता देते हैं और उसके बाद हम परी की देखेंगे, ठीक है? देखो कैसे करना है, देखो ये जो है ना ऐसे, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है ऐसे, ठीक है, ठीक है, और ऐसे किया और फिर इसको ऐसे करके इसको चला देना है, ठीक है, है ना, कैसे करना है, ऐसे करके इसको ऐसे लोड करते हैं और ऐसे करके इसको चलाते हैं, समझ गए ना कैसे करते हैं, है ना, खुश। इसने बहुत पहले बोला था किसी वीडियो को देख के, ये जो गन है ये इसकी है, देखो फ्री फायर की इसने पहले गन देखी होगी किसी वीडियो में, तो इसने बोला था कि इसको चाहिए, तो मैंने सोचा इसको नए साल पे गिफ्ट देते हैं, तो पसंद आई, है ना,
चलो खेलो, है ना। ठीक, वैसे भी मेरा ये फेवरेट गेम था, इसका फेवरेट गेम था। अच्छा लगा ना, खेलो। ठीक है परी, हाँ। तो मैं तो नहीं जानता ना ये इसको कैसे यूज नहीं, करते नहीं, हाँ, मैं तो पता है कैसे यूज करते हैं। यूज से तो नहीं बनता, तो सबसे बनता ना उसकी गन थी ना, गन में अलग अलग सिस्टम होता है, पर इसमें तो सेम ही होता है। अच्छा है ना, हाँ। तो इसको करके होता कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, बैक कैमरे देखते हैं। ठीक है परी, हाँ बताओ क्या है। ये देखो इसमें ये दिया हुआ है, अच्छा, इसको करने के लिए की, हाँ दो की, छोटी छोटी की है। और लॉक क्या है इसका, लॉक ये, अच्छा इसमें लॉक भी है। अच्छा इसको खोलो, अरे वाह तो खुल गया। हाँ। अच्छा ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये देखो है ना, यहाँ से पैसे डालो, यहाँ से पैसे रुको रुको निकाल ले एक मिनट। हाँ डाल ले, हाँ यहाँ से पैसे डालो और जब जरूरत पड़े तो ऐसे करके निकाल ले। श्री गणेश कर दे, हाँ कर दो, लो देखो हम डाल ले, पहले फर्स्ट हम डालेंगे ये, अब लो पर तुम डालो, लो मुन्नू तुम डालो, ये डालो पीसेस में। अरे वाह इसकी तो चांदी हो गई, है ना, लो और डाल दे। और जब चाहिए हो, ये डाला गया, जब चाहिए हो तो ऐसे, अच्छा ये खुल भी जाएगा ना, हाँ खुल भी जाएगा, जब भी चाहिए हो तो निकाल लेना। अच्छा और फिर इसको लॉक कैसे करेंगे, ये गिर जाएगी ना तो टूटेगी भी नहीं। अच्छा लॉक करके बताओ, उसको देखो ये लगाया पहले, अच्छा ऐसे लॉक हो जाएगा। इसको ऐसे करके ये जो है ना इसमें दबाना पड़ेगा। अच्छा लग गया, हाँ लग गया। अभी चाबी से खोलेगा, है ना, हाँ ठीक है। अलग अलग जगह रखना पड़ेगा कि इसको, वरना एक ही जगह दोनों बन जाएंगे। तो बढ़िया चीज है, है ना। परी, हाँ। पीयूष कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम लोग तो भूल भी गए, हम लोग भूल गए थे, आपको याद था? हाँ याद था बेटा, तुम लोगों ने बोला था ना, हाँ। तो सोच रहे थे कब दें कब दें, क्योंकि बर्थडे तो था नहीं तुम लोगों का, तो सोचे न्यू ईयर पे देंगे। ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। और सुनो तोड़ना नहीं इसको, है ना, परी का तो ठीक है, परी के तो नहीं टूटेगी, इसका इसका लग रहा है तोड़ देगा। ठीक है ना, तो पसंद है ना, चलो ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया यार दोनों का रिएक्शन, दोनों काफी खुश थे जब उनको वो वाला गिफ्ट मिला। उन लोगों को याद ही नहीं था कि उन लोगों ने ये वाली चीज मंगाई थी नहीं मंगाई थी, या आज उनको मिल रहा है। तो सरप्राइज बहुत बढ़िया रहा, रिएक्शन ही बहुत बढ़िया रहा, और उन लोगों ने खूब ज्यादा मस्ती की उसके बाद। यार अभी बहुत ठंड हो रही है तो मैं कैप लगा के रखा हूँ, अभी बज रहा है रात के 9 और मैं अपना ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तभी के लिए देखते हैं अगले वीडियो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।